दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी अवेयर हो पाएँ। आपके घर के आसपास जो पानी है जमा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिड़ियों के लिए पानी रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंगू और मलेरिया के काफ़ी ज़्यादा लार्वा यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। ये कुछ दिन इसी पानी में रहेंगे और धीरे धीरे करके ये बड़े हो जाएंगे और एक दो दिन में ये उड़ने लगेंगे, देन ये वहाँ पर बीमारी फैलाएंगे। तो आपके आसपास कोई अगर पानी भर रहा हो आपके घर में, आपके घर के आसपास, तो प्लीज़ उसको वहाँ पर साफ़ करते रहें ताकि आज इन बीमारियों से आप बच सकें, क्योंकि डेंगू आजकल काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी भी होती है। तो प्लीज़ अपने आसपास पानी मत जमा होने, देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखा दिया कि कैसे ये लार्वा यहाँ पे कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ एक दो दिन में ही मच्छर बन के उड़ने वाले हैं। तो प्लीज़ उसको अपने आसपास पानी मत जमा होने दें। और अब मैं जा रहा हूँ इस पानी को यहाँ से हटाने ताकि ये जो लार्वा है ये मच्छर बन के उड़ ना पाए और ना किसी को काट पाए। तो सिंपली क्या करना है, इस पानी को मैं यूँ फेंक दूंगा और जो भी लार्वा होगा कुछ ही मिनट में यहाँ पे मर जाए, क्योंकि ये बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं और साफ़ पानी में ये पनपते हैं।